शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही हरिद्वार में स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त अपनी मुराद लेकर मां चंडी मंदिर में दर्शन करने धर्मनगरी हरिद्वार आ रहे हैं। वैसे तो देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक मां चंडी देवी की महिमा का गुणगान विश्व भर में गाया जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिनों में यहां अलग ही छटा देखने को मिलती है। मान्यता है कि मां चंडी के दर्शन मात्र से ही लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरिद्वार के नील पर्वत पर मां चंडी देवी खम्भ के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं का आह्वान पर मां भगवती ने ही रुद्र चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से सभी देवी देवताओं को मुक्ति दिलाई, जिसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए माँ चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खम्भ के रूप में विराजमान हो गई। तब से लेकर अब तक माँ अपने भक्तों की मुराद पूरी कर अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। देश विदेश से यहाँ मंदिर में माँ चंडी देवी का दर्शन करने आ रहे हैं, और क्योंकि ये अश्विन के नवरात्र है, सबसे पावन पर्व यही माना जाता है माँ भगवती के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं भगवती यहाँ पर दो रूपों में विराजमान है, एक रुद्र रूप है भगवती का जो रुद्र चंडी के नाम से है, और एक शांत रूप है माँ का वो भी मंगल चंडी के नाम से है। वैसे तो साल भर चंडी देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में मंदिर में अलग ही भक्तों की रौनक देखने को मिलती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए मंदिर में मन्नत का धागा चुनरी बांधने की भी प्रथा है, इसलिए यहाँ पर माता के भक्त देश विदेशों से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा लगा है और दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। और क्या सुना है मंदिर के बारे में, यहाँ कैसे पहुँचे, क्या सुना? आप आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चंडी देवी का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, बहुत फेमस। क्या सुना आपने मंदिर के बारे में, कोई आया हुआ? पहली बार ही आए। अच्छा, बताते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती है जो भी बताते। पाली जिले सुमेरपुर से आया, काफी दूर से आप आए हैं माँ चंडी देवी के दरबार में आए हैं, क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर अब पहली बार आया, अभी लाइन में खड़े दर्शन हो रहे होंगे, और माँ की स्थापना है नवरात्रि की, तो दर्शन के लिए बहुत हर्षोल्लास के साथ हमें आए दर्शन के लिए। अब दर्शन करने के बाद हम माता आशीर्वाद देगी हमको, और हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।